ओए भाई ये देखो इस वाले बटन से भी काम करता है, यानी कि हमारे निकले भाई बोल्ट के ईयरबड। सुनो वाली लाइट दे रखी है और जैसे आप इसको निकालोगे तो ये अंदर से बहुत तेजी से घूमने लगता है। और उसके बाद भाई ये ऑलरेडी हमारे विराट कोहली पहनते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है। आज के स्लेटर काफी ज्यादा तो अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स में, जो पहले आते थे 10 रुपए में, लेकिन आजकल ये सारे के सारे मात्र आते हैं सिर्फ 5 रुपए में। और ये लोग ऐसा दावा करते हैं कि इनके अंदर फ्री गिफ्ट इनसाइट्स निकलता है। तो मोबाइल के कीड़े से लेके बंगाल का जादू, मोटू पतलू खजाना, दादी गुल्लक पॉपिट वाला खजाना, आज इन सभी के अंदर हम लोग देखने वाले कि हमारे छोटे से बड़े इनाम कौन से निकलने वाले और सस्ते से महंगे इनाम कौन से निकलने वाले हैं। साथ में आज एंड में नहीं बल्कि बीच में दिया जाएगा 15 लोगों को शाउट आउट, जिसमें से एक हैप्पी बर्थडे भी शाउट आउट होने वाला है, जिनको एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला है। एक डांसिंग मंकी जो भाई टंबलिंग करके दिखाता है, यानी कि ये एक तरीके से करतब करता है, और प्लस में ये अगर आप क्लैप मारोगे तो ये रुक जाएगा, और क्लैप मारते हो तो आप ये दोबारा से डांस करने लगता है। और ये एक मिलने वाले भाई बारबी वाली डॉल, जिसको हम एंजल गर्ल के नाम से भी जानते हैं, और ये काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि जब ये चलती है ना तो 360 डिग्री रोटेट होती है, स्टंट करती है, प्लस में ये ऑटोमेटिक सारी बटरफ्लाई की तरह इसकी फ्रॉक भी उठती है, जो बहुत ही ज्यादा इसको एंजल तरह लुक देती है। तो यार अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब बाज में दिखे बेल आइकन दबाकर आने जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं आप लोग सबसे पहले देख पाए, तो भाई देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज जो है हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हमारे मोटू पतलू के खजाने से, जो आता है मात्र 5 रुपए में। ये पेन वाला खजाना है जो राहुल नास्ता की तरफ से आता है, जिसके अंदर 200 रुपए के नोट से लेके 2000 रुपए तक के नोट निकल सकते हैं, हमारे पेन निकल सकते हैं, पेंसिल 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, और इस पे लिखा भी हुआ है खेलो और लिखो, क्योंकि इनका भी यही मानना है हमारी तरह के भाई खेलने के साथ साथ पढ़ना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो हम इसके अंदर ये देखने वाले कि आज हमारे कोई आरसी टॉयज निकलेंगे, या हमारे स्पीनर निकलेगा, या हमारी लेजर लाइट निकलने वाली है, या हमारे कोई 2000 रुपए के नोट निकलेंगे। भाई कुछ भी निकल गया ना तो समझ लेना आज वाक्य में बहुत तगड़ी वाली भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो सबसे पहले जो है हमने इसको भाई कट कर दिया, इसके अंदर से कुछ स्नैक्स भी दिख रहे हैं, तो इसको यहीं पे गेरने वाले, तो देखते क्या निकला क्या निकला क्या निकला। ओह भाई साहब, सबसे पहले तो भाई दो चीजें दिख रही है, एक है भाई 500 रुपए का नोट, ये देखो भाई ये तो मेरे को पता ही ये इतनी बार निकले ना हमारे, ये एक नकली नोट है जो बहुत ही ज्यादा चूना लगा दिया। अगर आपको ये पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे लिख देना 500 रुपए का नकली नोट, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। भाई स्नैक्स तो काफी ज्यादा मोटे है यार, ये देखना कितना मोटा है, एकदम ऐसा लग रहा है रसगुल्ले की तरह। और दूसरा ये हमारा निकला है एक रस्सा, यानी कि भाई जंपिंग वाला रोप, इससे आप रस्सा कूद सकते हो, और इसकी जो है ना भाई ये काफी ज्यादा अच्छी है, देखो भाई बिल्कुल भी ये खिंच नहीं रहा है, यानी कि ये टूटने वाला नहीं जल्दी। और ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर ड्रीम स्पेस का इन्होंने चार्ट सा भी लगा रखा है, देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ड्रीम स्पेस वाला एस्ट्रोनॉट, ये कहीं भी उड़ के चला जाता भाई, ये देखो सारे मंगल ग्रह से लेकर शनि ग्रह तक सारे के सारे घुमाए ये। तो अगर आप लोग को ये रस्सा भी पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना ड्रीम स्पेस वाला रस्सा, ताकि ये वाला जंपिंग रोप आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते इसकी जगह पे। इसके बाद बारी आती है हमारे मोटू पतलू के दूसरे वाले खजाने की, जो काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, और ये भी मात्र 5 रुपए का आता है। इसके अंदर आप देख सकते हो भाई आरसी कार, आरसी टॉयज वगैरह सब कुछ निकल सकता है, यहाँ तक कि भाई सोने के सिक्के, सोने की मोहरे, गोल्ड की चैन, गोल्ड की रिंग, कुछ भी निकल सकता है। तो भाई फटाफट से जो हम इसको कट करके देखेंगे कि हमारा क्या निकलने वाला है। तो भाई सबसे पहले तो इसमें से गैस निकली है क्योंकि भाई इतनी हवा भर देते हैं ना ये लोग, क्या ही बताते। स्नैक्स तो दिख रहे भाई बहुत मोटे हैं, तो भाई इसको खाली करते खाली करते खाली करते हैं, तो ये हो चुका पूरा खाली, और आधे स्नैक्स ना उधर की तरफ चले गए। तो भाई इसको जरा पहले खिसका के अंदर कर लेते हैं, और अब इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारी इसमें 3 चीजें। तो भाई सबसे पहले एक ये बहुत प्यारा सा पाउच सा है, तो इसको देखेंगे। इसके अंदर भाई हमारी मिनी इरेजर है, जो करेक्टर वाली इरेजर होती है, काफी ज्यादा प्यारी है। देखो भाई ये की चेन भी है, यानी कि आप इसको अपनी बैग की चेन में भी टांग सकते हो, या साइकिल का चाबी का छल्ला बना सकते हो। दूसरा इसके अंदर हमारा 1 रुपया भी निकला है ये देखो भाई, अरे वाह देखो 2 रुपया भाई क्या बात है। और 2 रुपए के साथ इसमें निकली है हमारी इरेजर, ये देखो यार कितनी असली लग रही है, वाह सो टेस्टी ये हमारी बनाना वाली इरेजर जो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और ये निकला भाई हमारा एक बिस्किट, भाई इसमें क्रीम वाला बिस्किट है ये, और मुझे भाई ऐसे वाली कुकीज जो होती है बहुत अच्छी लगती है जो बिस्किट होते हैं। और ये देखो कितनी असली लग रही है ना, लेकिन ये भी एक इरेजर है, ये देखो कैसी है टॉइंग टॉइंग, इससे आराम से स्पेलिंग वगैरह मिटा सकते हो। और ये एक पीनट वाली इरेजर है, जिसको भाई मूंगफली भी बोलते हैं, यानी कि कच्चा बादाम, कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम। और ये भाई एक कुकुम्बर, पता नहीं कुकुम्बर है कैक्टस है, आप लोग मुझे बताना कि क्या है। बाकी ये चारों की चारों इरेजर काफी ज्यादा सुंदर लग रही है और बढ़िया लग रही है। तो अगर आपको ये वाली इरेजर और ये 2 रुपए पसंद आया तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है इरेजर विद 2 रुपीज, ताकि ये पूरा का पूरा सेट आपको गिव अवे हो सके। और दूसरी जो चीज है, ओए ओए ये देख रहे कितना प्यारा सा यार छोटा सा कब इस पे लव लिखा हुआ और दिल बने हुए कितने प्यारे प्यारे, भाई साहब मिल्क मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा यार। इसके अंदर ना मैं डेली रात को सोने से पहले मिल्क पिया करूंगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है ये कप। और भाई दूसरी जो चीज हमारी ये है एक डाईकास्ट का, जो काफी ज्यादा तगड़े है, देखो भाई इसके व्हील वगैरह जो है बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं क्योंकि नया है ना एकदम। और ये एक स्पाइडरमैन की कार, जिसपे देखो स्पाइडरमैन का लोगो बना है, स्पाइडरमैन का वेब बना हुआ है, और ये खुद एक डिजाइन भी स्पाइडरमैन का बना हुआ है। तो ये ऊपर से भाई पूरा ऊपर मेटल के, जिसको डाईकास्ट बोलते हैं, और नीचे से इसका जो बेस
फेस है वो प्रॉपर एक प्लास्टिक का है। तो अगर आप लोगों को भी ये वाली स्पाइडरमैन की गाड़ी बहुत ही ज्यादा पसंद आई है जो कि डाईकास्ट की बनी है, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे वाली लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल वाली डाईकास्ट स्पाइडरमैन की कार, ताकि ये वाली कार और कप लिख देना, ताकि ये दोनों चीज आपको गिव अवे हो सके। तो इसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा बंगाल का जादू, और ये आ चुका है हमारे हाथ में हमारा बंगाल का जादू। ये राहुल नास्ते की तरफ से आता है मात्र ₹5 में, और इसके अंदर भाई पेन, पेंसिल, शार्पनर, पेंट ब्रश, स्पिनर्स, हेडफोन, आरसी कार, स्कूल बैग और भाई ₹500 का नोट, पता नहीं भाई इतनी सारी चीजें छाप रखे। देखो पेन भी है, शार्पनर भी है, पता नहीं क्या क्या इसके अंदर निकलेगा। और पीछे भी है क्या कुछ भाई, पीछे भी इन्होंने बहुत सारे ब्रश वगैरह बना रखे, तो देखते भाई हमारे कलर निकलने वाले हैं या क्या निकलने वाला है। तो सबसे पहले तो भाई इसको फटाफट से कट कर लेते और देखते कि इसके अंदर क्या जादू होने वाला है। तो भाई इसके तो स्नैक्स दिख रहे और इसको निकालने वाले भाई, आजा 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 भाई साहब। मोटे मोटे तौर पर तीन चीजें दिख रही है देखो, एक तो ये है जो कि एक टॉय वाली बस है, कितनी प्यारी लग रही है यार, सीटें देख रहे हो और कितनी अच्छी बना रखी है, 1 2 3 4 5 भाई, 5 इधर और 5 उधर है। जिस किसी को पता है ना कि इसके अंदर टोटल कितनी सीट है, अपना नाम लिखना उसके आगे वॉल लिख देना और उसके आगे लिख देना बस में टोटल सीटें इतनी है, ताकि आप लोगों को ये गिव अवे हो सके। और भाई ये पुल बैक वाली है, यानी कि आप इसको फर्स्ट पे नीचे रखोगे ना, आप इसको जैसे छोड़ोगे तो ये देखो गोली की तरह खुद से खुद आगे भाग जाएगी, जूम पीप पीप, और इसके अंदर हम सारे इकट्ठे जाएंगे क्योंकि ये एक स्कूल बस होने वाली है। और दूसरी और तीसरी जो चीज है, एक तो भाई ये हमारा पॉपिट वाला टॉय है जो बहुत ही प्यारा है, पर ये है क्या भाई, को ओपन करके देखना पड़ेगा। तो ये देखो भाई, ये इतना प्यारा लग रहा है पर आवाज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही क्योंकि एक है ना, बहुत सारे पॉपेट होते हैं ना तब फोड़ने में मजा आता है, लेकिन पॉपेट वाले खजाने में हमेशा पॉपेट निकलते, तो देखेंगे उसमें आज कौन से पॉपेट निकलेंगे। और दूसरी जो चीज है भाई, ये है हमारी एक भाई स्मार्ट वॉच, ये देखो क्या भाई साहब कितनी शाइन मार रही है और बहुत ज्यादा एचडी है, जिसके साथ हमें एक यूएसबी केबल मिले, ये देखो इसको यहाँ पर, अरे ये उल्टी लगा दी क्या, ये देखो भाई ये ऐसे लगेगी, ये ऑटोमेटिक चिपक जाता है, अब ये ना गिरने वाली नहीं है क्योंकि ये चुम्बक से चिपक जाती है इसके अंदर। तो ये इसकी चार्जिंग केबल, इससे भाई चार्ज कर लेना। और इसके साथ हमें देखने के लिए मिलते हैं दो स्ट्रैप, दो नहीं मतलब एक ही स्ट्रैप है जिनको भाई इस तरीके से लगाना होता है स्लाइड करके, और इस वाले को भी ना हम यहाँ से ऐसे करके दबाएंगे और ये देखो ये हो गया पूरा स्लाइड। अब यहाँ से इस बटन को दबा के ऑन करते हैं और देखते हैं भाई ये चालू होता है या नहीं होता भाई मेरे को तो लग रहा है वरना पोपट बन गया। नहीं नहीं भाई ये देखो लोडिंग हो रही है, अरे वाह भाई फंक्शन वगैरह भी काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो। ये देख रहे हो इसके अंदर भाई म्यूजिक भी है, इसके अंदर कैमरा है, अलार्म है, हर एक चीज है भाई। और इसके अंदर ना देख रहे हो मोड्स भी कितने सारे हैं भाई, चलने वाला मोड है, भागने वाला मोड है, चढ़ सकते हो, साइकिल कर सकते हो, बास्केटबॉल फुटबॉल वगैरह वाले सारे मोड दे रखे हैं। और जब आप साइकिल चलाओगे तो आपके दोस्त पूछेंगे भाई कहाँ चला गया, पैडल मारते हो तो बता देना कि भाई मैं तो जंगल के अंदर आ गया हूँ भाई इसके अंदर टाइम गलत आ रहा है शायद, जब ये आपके पास आएगी तो भाई इसको कनेक्ट कर लेना सही से, ताकि ये आपको पता चल सके। और इसके अंदर वॉच फेसेस भी देख सकते हो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है भाई 7 है, तो भाई इसके अंदर 7 वॉच फेस दे रखे अलग अलग तरीके के, तो आपको जो सा भी पसंद हो भाई वो आप अपनी मर्जी से लगा लेना। अच्छा ओए भाई ये देखो इस वाले बटन से भी काम करता है ये, तो इस बटन से भी अपना वॉच फेस वगैरह चेंज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो इसमें रख लेना। तो अगर आपको ये वाली स्मार्ट वॉच भी पसंद आई हो जो भाई पिंक कलर में, शायद ये लड़कों के लिए नहीं है अगर आपकी कोई छोटी सिस्टर है ना तो उसको दे देना ये, क्योंकि ये उन पे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। ये देखो एक बार दिखा भी देता हूं मैं, ये देखो मेरे हाथ पे शायद इतनी अच्छी नहीं लग रही लेकिन आपकी सिस्टर पे बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है। तो अगर आपको भी ये स्मार्ट वॉच पसंद आई है तो आप लिख देना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है स्मार्ट वॉच, ताकि ये वाली स्मार्ट वॉच आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो अब बारी आने वाली हमारे मोबाइल के कीड़े की, क्योंकि आज एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन लाइन से लगे हुए हैं। तो भाई सबसे पहले हम उठाने वाले हमारा छोटा सा छुटकू पैकेट, ₹5 में आने वाला छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, जिसके अंदर स्पिनर निकल सकते हैं, मेटल वाली लेजर लाइट निकलती है, मेटल का स्पिनर निकलता है, ₹10 का सिक्का निकल सकता है, मसाले नहीं निकलेंगे, लट्टू निकलेगा, स्पिनर निकलेगा, ₹20 का नोट, ₹200 का नोट, और भाई पीछे भी इन्होंने कुछ छाप रखा है, देखो ₹500 वगैरह भी निकल सकते हैं। तो देखते हैं कि हमारा इसके अंदर क्या निकलने वाला। भाई सीजर हमारी आ चुकी है और फटाफट से जो हम इसकी कटिंग शुरू करने वाले हैं, तो देखते कि भाई इसके अंदर हमारा कौन सा स्नैक्स निकलता है और क्या क्या निकलता है। तो भाई ये तो एक तो कटने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, ये इसकी खाली जगह, तो भाई इसको गिरा देते हैं। ओ भाई थोड़े बहुत स्नैक्स नीचे गिर गए और भाई ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, छोटे से बैट बॉल निकला है, ओए होए क्रिकेट की किट निकले भाई, एक बैट बॉल और एक भाई साहब हमारे निकले विकेट, क्या बात है यार, ये बहुत ही प्यारी लग रही है। तो भाई जिस किसी को भी बैट बॉल खेलना आता है ना, अपना नाम लिख देना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है क्रिकेट बैट विद विकेट, ताकि ये पूरी की पूरी किल्ली और आपको बैट गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और इसके बाद देखते हैं, ओए एक कीचेन निकला भाई छल्ला, जिसके अंदर ₹200 का नोट है, ₹100 का नोट है, ₹10 का नोट है, और ये कौन सा ₹500 का नोट है, ₹50 का नोट है, और ये एक ₹2000 का नोट है, यानी कि लगभग इसके अंदर सारी नोट है और ये काफी ज्यादा अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। फिनिशिंग तो इसकी असली वाली है और इस पर लिखा भी हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन ये इतने छोटे के ये भाई कोई भी पकड़ लेगा हमें कि भाई नहीं ये तो नकली है तो अगर आपको भी अपने बैग की चाबी का छल्ला बनाना या अपनी साइकिल की चाबी का छल्ला बनाना, तो अपने नाम लिख देना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिखना नोट वाला की चैन, क्योंकि ये नोट वाला की चैन है, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और भाई तीसरी जो चीज है, ये एक स्लाइम जो भाई काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, पिंक कलर भी
भी है, रेड कलर सा भी लग रहा है। तो देखते भाई ये बैरल वाली स्लाइम को, ओ भाई साहब इसके अंदर चमकीली भी है और देखो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। भाई मुझे तो ना स्लाइम के साथ खेलने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ये देखो और ये नीचे से कैसे रेड कलर के, और क्या ही इतनी प्यारी लग रही है भाई। ये ना चिपकती भी नहीं है हाथ में देखो, क्योंकि इसके अंदर ग्लू नहीं मिला होता ना, ये नॉन स्टिकी है। और ये क्या, अरे ये तो एक इरेजर है, स्माइली कर रही है। देखो भाई ये ऐसे हंस रहा जैसे इसने हमारा पागल बना दिया। ये कह रहा भाई पागल बनाया, बड़ा मजा आया। कोई बात नहीं, तो अगर आप लोगों को मेरी तरह स्लाइम से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है बैरल वाली स्लाइम, ताकि ये वाली स्लाइम आपको गिव अवे हो सके जो टू इन वन वाले कलर में आते हैं, प्लस में इसके अंदर एक स्माइली भी निकलती है। और तीसरी जो चीज है इसके अंदर ये है एक, भाई इतनी बार निकले ना ये, मैं इनके चंगुल में नहीं आने वाला। ये एक नकली का नोट जिसको बोलते हैं 50 रुपए का नोट, मनोरंजन बैंक वाला। अगर आपको ये पसंद है तो अपने नाम लिखना वाव लिख देना और उसके आगे लिख देना 50 रुपए का नकली नोट, ताकि ये आपको गिव अवे हो जाए। अगर इस महीने किसी की भी शादी है ना तो भाई ये वाला नोट लेके चले जाना, डीजे पर लुटा देना, ताकि सारे लोग ना इस पर झपट्टा मारने लगे, ये सब लूटने लग जाए। और भाई ये देख लो, एक दो तीन और चौथी चीज ये, अरे भाई साहब मतलब एक छोटे पैकेट में बड़ा धमाका हुआ है वाकई में भाई। 5 रुपए के पैकेट में हमारी तीन नहीं चार चार चीजें निकली है। एक निकले भाई हमारी लेजर लाइट, ये देखो भाई ये मेटल वाली लेजर लाइट जो काफी ज्यादा तगड़ी है, जिसपे वार्निंग पहले लिख रखी होती है कि भाई ये एक प्रैंक वाली लेजर लाइट है, क्योंकि नीचे बटन दबाओगे ना तो झटका सा लगता है करंट वाला, तो नीचे वाला बटन मत दबाना भाई क्योंकि प्रैंक वाली है। ऊपर का दबाओगे तो भाई इसके अंदर लेजर लाइट चलती है, और ये पीछे से भी स्टेनलेस स्टील का, आगे से भी स्टेनलेस स्टील का है, यानी कि ये प्रॉपर एक मेटल वाली है जिसको आप चाबी का छल्ला बना सकते हो, बाइक की चाबी का भी छल्ला बना सकते हो। तो अगर आपको ये मेटल वाली जो काफी अच्छा खासा भारी वजन है जिसका, अगर आपको ये पसंद है तो अपना नाम लिख देना, उसके आगे वाव लिख के लिख देना भाई प्रैंक वाली लेजर लाइट, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। तो ये ले लिया हमने अपने हाथ में बंगाल का जादू, जो भाई साहब मात्र 5 रुपए में आता है। और ये आरसी कार से लेके आरसी ट्रक तक भाई हेडफोन पेन पेंसिल स्पिनर और ये देखो ब्रश वगैरह निकल सकते हैं, 500 का नोट निकल सकता है, और इसके अंदर पता नहीं भाई इतने इनाम निकलते हैं ना मैं क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले भाई एक काम करते हैं, इसको बिना बोले ना भाई फटाफट से इसको कट कर देते हैं, ताकि हम देख सके कि इसके अंदर आज हमारा क्या निकलने वाला। तो भाई देखते क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, शायद कटाई नहीं है ये देखो। तो भाई ये अब पूरा कट चुका, और देखते हैं, ओ भाई धड़ाम से आवाज आई है, और ये देखो थोड़े बहुत स्नैक्स भी गिर गए थे। तो भाई एक सबसे पहले निकला है, ओ भाई साहब ईयरबड्स जो देख सकते हो आप कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं यार ये। और इस पे देखो भाई बोल्ट ऑडियो लिखा है, यानी कि हमारे निकले भाई बोल्ट के ईयरबड्स जो कि ट्रू वायरलेस है, यानी कि TWS वाले। ये देखो भाई वाओ, ओए आवाज सुनो, ओ भाई ऐसे खोलो ऐसे बंद करो, इतना प्यारा इसके अंदर साउंड आता है। यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग वगैरह वाली लाइट दे रखी है, और ये देखो भाई इस तरीके से खुलते हैं, और जैसे आप इसको निकालोगे तो इसके अंदर लाइट जलने लग जाती है, और उसके बाद आप इनको ना कनेक्ट भी कर सकते हो। और ये कनेक्ट करने लगोगे तो उसके बाद जब आप गाने वगैरह सुन लो और दोबारा से इसको चार्ज करना हो तो इसके अंदर रख देना, और उसके बाद इस तरीके से स्टाइल से इसको बंद कर देना, और यहाँ से भाई इसको दोबारा से पिन विन लगा के इसको चार्ज कर सकते हो, जो आपके घर का बराबर वाला चार्जर है। भाई साहब आज जो है टोटली पैसे वसूल होने वाले, क्योंकि एक फाइनली हमारा निकला है ईयरबड जो काफी ज्यादा तगड़ा है। अगर आप लोगों को भी भाई ईयरबड्स वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद है TWS टाइप के, इस तरीके से खुलने वाले बंद होने वाले, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है बोल्ट के ईयरबड, क्योंकि ये बोल्ट वाले, ताकि ये आपके पास आ सके। तो अपना नाम लिख देना, वाव लिख देना, उसके आगे लिखना है आपको बोल्ट के ईयरबड्स, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। तो इनको रखते हैं इनकी जगह पे। और दूसरी जो चीज है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारा कई बार निकला है, ये है ये ट्रांसपेरेंट वाटर गेम है जो भाई आयरन मैन की है, जिसपे आप देख भी सकते हो डिटेल वगैरह। ये सारा का सारा मार्वल का एडिशन है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर एक टिप देखने के लिए मिलते हैं, इस रबड़ को निकाल के आप ना सुई डाल के पानी भी भर सकते हो दोबारा से, अगर इसका कभी पानी कम हो जाता है। तो इसके अंदर भाई दो डंडी मिलते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट आयरन मैन की फोटो मिलती है। और ये चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर ना दो बटन नहीं है, इसके अंदर बटन एक ही मिलेगा, और ये भाई एकदम पॉकेट साइज है, मतलब जेब में भी आराम से डाल सकते हैं इसे। और जब आपका लंच होता है आप इसे खेल सकते हो। ये देखो भाई 5 सेकंड चैलेंज लेने वाले हम शुरू, 1 2 3 4 5। भाई मेरा इसके अंदर एक भी नहीं आया यार, ये क्या बात है यार, मतलब देख रहे हो, ये देखो इतनी दवाई मैंने, अब जाके एक आया, पहले तो आया नहीं। तो भाई अगर आप लोगों को ये लगता है आप मेरा रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, रिकॉर्ड क्या तोड़ोगे यार, आज तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप इसके अंदर 5 सेकंड के अंदर अंदर 2 छल्ले डाल सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना आयरन मैन वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये वाली गेम आपको गिव अवे हो सके। और अपना नाम लिखना मत भूलना, क्योंकि चैलेंज तो एक्सेप्ट बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे। और अब हम लेने वाले हमारा मोबाइल का कीड़ा, और ये आता मात्र 5 रुपए में, जो भाई आप देख सकते हो 10 रुपए से लेके मेटल वाली लेजर लाइट वगैरह निकलते, स्पिनर निकलता है, जो हमने अभी देखी हुई थी भाई, हमारी मेटल की लेजर लाइट निकली थी जो काफी तगड़ी थी, इसमें 200 रुपए का नोट निकलता है, एलईडी वाले स्पिनर वगैरह निकलते हैं, और पीछे भी देखोगे ना तो 500 रुपए का इन्होंने नोट तक छाप रखा है, यानी कि भाई इसके अंदर पैसे भी भर भर के निकलने वाले हैं।
पर हम देखने वाले ये है कि भाई हमारी किस्मत में क्या है, क्योंकि मुझे चाहिए इस बार एक 500 रुपए का करारा नोट। अगर भाई हमारा 500 करारा नोट निकल गया ना तो पार्टी होने वाली है, अपन दोनों मिलके साथ में चलेंगे भाई, नूडल्स वगैरह खाएंगे, रोल्स वगैरह खाएंगे, बहुत ज्यादा मजे करेंगे। देखो स्नैक्स गिर रहे, ओ भाई साहब भाई आज ना बल्ले बल्ले होने वाले, क्योंकि एक भाई हमारे देख रहे नोट भी निकला, यानी हमारे पैसे निकले। एक भाई कोई कार सी रखी हुई है वो भी दिख रही है, एक शार्पनर दिख रहा है, प्लस में उसके पीछे भी एक छोटा सा टॉयज है और उसके पीछे एक स्पिनर है। तो भाई देखने वाले धीरे धीरे। तो ये भाई आगे कर दिया मैंने सारा, और ये देखो भाई इसके ऊपर छोटा सा दिल बना हुआ है, दो येरे स्टील के कंचे, दो येरे स्टील के दो येरे, यानी कि सारे के सारे मेटल वाले कंचे जो काफी तगड़े हैं। 1 2 3 एंड गो। साउंड भाई बहुत ही प्यारा है इसका। तो ये मेटल वाला स्पिनर है जो गोल्डन कलर का, ऐसा लग रहा है सोने का पानी चढ़ा रखा है इस पे। अगर आपको भी मेटल के स्पिनर पसंद है तो अपना नाम लिख देना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मेटल का छोटा वाला स्पिनर, क्योंकि ये छोटा है बहुत। देखो सिर्फ इतना सा है। अगर आपको भाई मिनी वाले स्पिनर पसंद है मेटल के, जिनकी आवाज बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो आपको अपना नाम लिख देना, उसके आगे वाव जरूर लिखना, और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और ये भाई एक एस्ट्रोनॉट वाला शार्पनर यहाँ से शार्प करो, और उसके बाद खोल के जितना भी कचरा इसके अंदर भरा होता है वो सब का सब लंच में बाहर फेंक दो। और यहाँ पे ड्रीम स्पेस वाले देख रहे हो, अर्थ बनी हुई है, मून बना है, प्लैनेट बने हुए हैं, और ये हमारा ड्रीम स्पेस वाला लड़का ऊपर घूम रहा है, और यहाँ पे एलियन भी है और एक स्पेस शिप है। तो भाई ये तो चंद्रयान पे गए हुए हैं घूमने के लिए। तो अगर आपको स्पिनर और शार्पनर पसंद आया तो अपने नाम के आगे वाव लिख के भाई शार्पनर भी लिख देना, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और उसके बाद ये एक है हमारी, ओए वाओ भाई ये तो कैप्टन अमेरिका वाली है हमारी डाईकास्ट कार है, ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, इसके एलावीर भी बहुत अच्छे, और यहाँ पर देखो एक एवेंजर का लोगो बना हुआ है, और पीछे भी भाई इन्होंने ट्रांसपेरेंट रेड कलर का ग्लास वगैरह लगा रखा जो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये भाई पूरी मेटल की है ना, तो इसलिए डाईकास्ट होने की वजह से ये बहुत ज्यादा सुंदर भी लग रही है। इसका पेंट वगैरह देखो कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको डाईकास्ट वाली कैप्टन अमेरिका की मेटल कार वाली पसंद है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है कैप्टन अमेरिका की डाईकास्ट वाली मेटल कार, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। चौथी और पांचवी चीज जो है भाई, ये हमारी चौथी चीज है, एक हमारा नकली उंगली। ओ वाओ भाई प्रैंक वाले टॉयज मिले, एक प्रैंक वाली, तो इसके अंदर मेटल की लेजर लाइन निकली थी, उसके बाद एक निकले भाई प्रैंक वाली इस तरीके से उंगली। ये देखो भाई कितनी प्यारी लग रही है ना, इससे आप अपना नाखून बड़ा कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसे प्रैंक करने पसंद है भूत वाले, तो अपना नाम लिख देना और उसके आगे वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना हॉरर नेल वाले प्रैंक, ताकि ये वाला आपको गिव अवे हो सके। और भाई चौथी जो चीज है, इस बार हमारा 20 रुपए का एक नोट भी निकल गया, क्या बात है भाई। इस बार हमारे कुछ कोई चूरन वाला नहीं मिला है, ना कोई ये चूरन लेवल का है। ऑलरेडी हमने भाई 30 रुपए के पैकेट खोल दिया, उसके बाद हमारा एक 20 रुपए का नोट निकला। शेट यार, कम से कम 500 का तो निकलना चाहिए था, ताकि हमारे एक महीने की पार्टी चल जाती बड़े आराम से। अगर आपको 20 रुपए का असली नोट पसंद आया तो अपना नाम लिख देना, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना 20 रुपए का असली नोट, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। अब उसके बाद बारी आती है हमारे तीसरे वाले मोबाइल के कीड़े की, जो काफी ज्यादा तगड़ा, और इसके अंदर मेटल का लेजर लाइट से लेके मेटल का स्पिनर, मेटल वाला सिक्का 10 रुपए का एलईडी स्पिनर, और भाई ये भी दावा करते हैं ये फ्री गिफ्ट्स इनसाइड के साथ आता है, और ये आता है रियान कंपनी की तरफ से, जो भाई छोटा पैकेट बड़ा धमाका के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। सबसे पहले वाले में भाई चार चार चीजें निकली थी हमारी, अब इस वाले में देखते हैं कि इसमें क्या निकलने वाला है। भाई इस बार जो है 500 का अगर नोट निकल गया, ओए ओए सच बता रहा हूं भाई मजा आ जाएगा इस बार। ये देखो ये खोल दिया हमने पैकेट और धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो यार बहुत तगड़ी चीज दिख रही है मुझे, ये देखो भाई साहब ये एक वॉच है भाई, खुल जा। तो ये हो चुके ओपन, और इसके अंदर से देखते हैं भाई कौन सी वॉच है। वाओ यार भाई सबसे पहले तो काफी ज्यादा हैवी, और ये देखो ये यहाँ से इस तरीके से इसका ये मैग्नेटिक लॉक सा खुलता है, और ये आप देख सकते हो भाई पता है फ्लिप टाइप की जो है ना, ये कोई जिनेवा टाइप की, ये कोई वो उसकी रेप्लिका है। और अंदर आप देख सकते हो कि ये जो मशीनरी है किस तरीके से हिल हिल के चल रही है, क्योंकि ये बैटरी से नहीं चलती भाई, ना ये सेल से चलती, ये चलती है ऑटोमेटिक तरीके से, यानी कि आप इसको जो है ना एक बार इस तरीके से झटक देना, मैं दिखाता हूं कैसे। तो ये देखो एक डेमो, इस तरीके से आप जैसे अपने हाथ पे मारोगे तो ये अंदर से बहुत तेजी से घूमने लगता है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक चलने लगती है, यानी कि जब आपका हाथ ऊपर नीचे होता है ना धीरे धीरे, तो ये मूवमेंट पकड़ती है, और ये सुई अटक अटक के नहीं चलेगी, ये एक ही बार में चलने लग जाती है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है। इस बटन को दबाने से भाई आपने इसकी स्टॉप वॉच यूज कर सकते हो, यानी कि ये ऑटोमेटिक सेकंड ऐसे जाएंगे तेजी से, और जैसे इस बटन को दबाओगे तो ये वापस से ऊपर की तरफ आ जाएगा। और ये वाला जो आप बटन देख रहे हो इस पे भी आपको एक लोगो देखने के लिए मिलेगा, ये देखो भाई इस तरीके से टाइम वगैरह भी आप अगर सेट करना चाहो सेट कर सकते हो, और इसको हल्का सा अगर दबा दोगे इस तरीके से तब आप जो है ना ये देखो इस तरीके से डेट वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो देखो 24 तक पहुंच गए। और भाई अगर आपके लिए अब होने वाला एक चैलेंज, जिस किसी ने बताया ना कि ये वाली वॉच किस किस सेलिब्रिटी के पास है, किसी भी दो फेमस वाले के नाम बता देना, ताकि ये जो है आपको गिव अवे हो सके। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है ऑरेंज वाली वॉच चैलेंज एक्सेप्टेड, जिसने भी सही आंसर बताया कि ये कौन सा सेलिब्रिटी पहनता है, तो भाई ये उन लोगों को हो जाएगी गिव अवे। और एक बार जो भाई मैं पहन के आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो है आपको कुछ इस तरीके से पहननी होती है,
इसके अंदर कोई पट्टा आपको बांधना नहीं, सिर्फ इस तरीके से लॉक हो जाते हैं ऑटोमेटिक, और उसके बाद आप जैसे ऐसे हाथ को करोगे तो आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा कूल लगने वाली आपके हाथ में, और ये बहुत ज्यादा डैशिंग भी लगेगी, जिसको आप किसी भी कपड़ों के साथ अपने पहन सकते हो, ये बहुत ज्यादा सुंदर लगने वाली है। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे, और चलो यार मैं आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूं। ये वाली जो वॉच है भाई, ये ऑलरेडी हमारे विराट कोहली पहनते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो। और दूसरा ये आप देख सकते हो डीजे खालिद ने भी पहन रखी है, और तीसरा हमारा शाहरुख खान। तो हमारे कुछ सेलिब्रिटीज पहनते हैं, अब इनमें से आपको बताने के दो कौन से ऐसे सेलिब्रिटी है जो हमारे इंडिया से, क्योंकि ये बीच वाला तो नहीं है। तो जिस किसी का भी सही आंसर होगा उसको ये वाली वॉच मिलने वाली है गिव अवे में। और अब इसके बाद लेने वाले हम अपना पॉपेट वाला खजाना, जो आता भाई राहुल कंपनी की तरफ से मात्र ₹5 में, जिसके अंदर दिल वाले से लेके हेक्सागन वाला, सर्कल वाला, यानी कि इसके अंदर 50 के नोट, 100 रुपए का नोट, भाई इसके अंदर इतने गारंटेड वाले नाम निकलते हैं, वो भी फ्री गिफ्ट्स इनसाइड, यानी कि सब कुछ इसके अंदर जो है भाई बहुत तगड़ा होने वाला है। अब देखते हैं हमारे इसके अंदर पैसे वगैरह निकलेंगे या हमारा कोई भाई पोपट तो नहीं बना देंगे ये क्योंकि मुझे चाहिए एक इस बार ₹500 का नोट या फिर ₹100 का नोट दे दो, कुछ तो दो यार, क्योंकि खाली हाथ नहीं जाना चाहते। तो भाई ये इसकी खाली जगह है, ओ भाई खाली जगह पे तो इसने दिमाग खराब कर दिया मेरा। ये देखो भाई सबसे पहले एक निकला है भूत वाला पॉपेट, भाई पॉपेट की तो आज बारिश हो गई है, देखो इसके अंदर 3 पॉपेट है, क्या बात है, जिसको दबाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखो जिसकी आवाज ना इतनी अच्छी नहीं आ रही यार, लेकिन ये घोस्ट काफी ज्यादा प्यार लग रहा है। इसको देखो चाबी का छल्ला बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक होल है जिसको हम चाबी की तरह ऐसे टांग सकते हैं। तो अगर आपको ये घोस्ट वाला पॉपेट पसंद आया तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आप ना घोस्ट वाला पॉपेट, ताकि ये आपको गिव अवे हो जाए। और भाई दूसरा हमारा निकला है एक मरमेड वाला, बहुत HD और शाइनी ब्यूटीफुल सा पेन। ये देखो भाई ये मरमेड की तरफ से आता है, जिसके आगे एक टिप लगी होती है, और ये एक जेल पेन है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत चलने वाला है, जिससे आप अपना भाई होमवर्क वगैरह भी कर सकते हो। और ये पीछे से देखो बिल्कुल एकदम असली वाली मरमेड का बना रखा है, यानी इसके अंदर भाई देख रहे हो पिंक कलर, ब्लू कलर, इतने तगड़े तरीके से इन्होंने बना रखे हैं ना, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा शाइनी है। अगर आपको ये फैंसी पेन पसंद है, अगर आप कभी होमवर्क करोगे ना तो सब पूछेंगे कि भाई ये कौन सा पेन है, बहुत कूल लग रहा है, तो बता देना ये फनबाज भैया ने गिव अवे किया था। तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है फिश वाला पेन, ताकि ये मरमिड पेन आपको गिव अवे हो सके। और तीसरी जो इसके अंदर वाली चीज निकली है वो है एक भाई मेटल का, यो देखो भाई कितना भारी है, उठाते ही पता चल गया कि बहुत भारी है भाई, सच में बहुत तगड़ा। और इस पे लिखा है स्पीड रिवॉल्विंग, यानी कि इसकी स्पीड काफी तगड़ी आने वाली है, लेकिन इसको ना भाई इस तरीके से करके ना लट्टू की तरह कस लेना ऐसे ऐसे करके, उसके बाद जैसे आप ऐसे फेंकोगे तो नीचे जाएगा और जैसे ऊपर खींचोगे जूम करके ऊपर आ जाएगा, और ये ऊपर नीचे होके भाई स्पीड बहुत गोली की तरह भागेगी इसकी। तो जिस किसी को भी मेटल वाले और भारी भारी यो पसंद है, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना मेटल वाला भारी यो, ताकि ये वाला यो आपको गिव अवे हो सके। और अब बारी आती है हमारे दादी जी के गुल्लक की। भाई दादी जी मुझे कुछ नहीं पता, इस बार जो है ना मुझे एक 500 का नोट चाहिए, बहुत देर हो गई है मेरे को 500 रुपए का नोट देखते देखते, अभी तक निकला नहीं है, या तो सोने के सिक्के दे दो, नहीं तो आज आपका मैं चश्मा चोरी करके ले जाऊंगा और भाई साहब ये देख रहे हो स्पिनर तक बना हुआ है, यानी कि एक लट्टू बना हुआ है। तो अगर एक लट्टू और एक नाड़ा भी निकल गया ना तब भी आज मजा आ जाएगा, क्योंकि बहुत दिन हो गया यार लट्टू वट्टू हमारा कुछ निकला नहीं है। देखो स्नैक्स पहले गिर जाते हैं, अरे रुक जाओ दादी जी गुस्सा मत दिलाओ। तो यहाँ पर खाली जगह है, ओ भाई ये हुई ना बात, भाई देख रहे हो क्या क्या निकला है। एक तो भाई निकला है हमारा ये देखो भाई हाईलाइटर वाला पाउच, ये कितने तगड़े लग रहे हैं, इसके भाई रखने की भी कोई झंझट नहीं है, यानी कि हाईलाइटर यूज करो वापस से इसी पैकेट में रखना है, और ये पैकेट भी कितना ट्रांसपेरेंट है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बस इसके ऊपर ये जो स्नैक्स लगे पड़े ये झाड़ लेना, तो ये इस तरीके से खुलेंगे, और इसके अंदर हमें देखो कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी भाई टोटल इसके अंदर हमें 6 अलग अलग कलर के मिलने वाले हाईलाइटर, और ये एक सॉफ्टी की तरह लग रहा है जो एकदम असली वाली होती है, भाई बहुत ही टेस्टी है और ये अरे रुको ये यहाँ से खुलेगा, और आप जब कुछ भी पढ़ रहे हो नोट्स बनाने हो तो इस तरीके से अंडरलाइन कर लेना, ये हाईलाइट हो जाएगा, ये काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है भाई। और देखो कितना प्यारा है, ये इस तरीके से खड़ा भी हो जाता है, और अब ऐसा लग रहा है ये आग वाली मसाले, जिसको ऐसे हाथ में उठा के हम भागेंगे और फिर देखेंगे जंगल में कि भाई जीतने वाला कौन है। तो अगर आप पिकनिक पे जाओगे ना तो ये लेके जाना, ताकि आप प्रैंक भी कर सको कि भाई ये ले सॉफ्टी खा ले, और इसको आइसक्रीम की जगह ये हाईलाइटर पकड़ा देना। अगर आपको भी ये वाले सॉफ्टी हाईलाइटर पसंद आए तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना आइसक्रीम वाले हाईलाइटर, ताकि ये आपको गिव अवे हो जाए, और आप अपना नाम जरूर लिखना। तो इसको रखने के बाद हम देखने वाले हमारी दूसरी वाली लेजर लाइट, और भाई इसको क्या दिखाना, हमने अभी ये वाली देखी थी सेम वैसी है, ये भी काफी ज्यादा भारी है, लेकिन कलर तो भाई बहुत ही तगड़ा है, ये देखो यार मेटालिक कलर है भाई, मतलब मेटल की लेजर लाइट, और कलर भी इसका मेटल का है, आगे वाले बटन से करंट लगता है और पीछे वाले बटन से लेजर लाइट जलती है इस तरीके से, और भाई लेजर लाइट बहुत तेज है इसकी। और ये देख रहे हो भाई ये प्रॉपर इसको छल्ला बना सकते हैं किसी भी जिप में डांग के, ये देखो इस चीज की मैं बात कर रहा था, है ना कितनी तगड़ी भाई लेंस खराब कर सकती है, इतनी तेज है इसकी पता है, पर आप मत ट्राई करना, अगर आपका लेंस खराब हो गया तो आपकी पापा मम्मी पीट देंगे आप लोगों को। अब भाई हम लेने वाले हमारी दूसरी दादी जी की गुल्लक, जो काफी तगड़े होने वाले, इसके अंदर लट्टू निकलेंगे, और इसके अंदर भाई साथ ही में बहुत सारे हमारे और भी स्नैक्स आते हैं,
जो काफी तगड़े होते हैं, जिनके अंदर ना हमें कई बार पता पिगी बैंक भी मिलता है, लेकिन इसके अंदर पिगी बैंक कितना आएगा क्योंकि ये तो खुद ही इतना बड़ा सा है, तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। ये देखो आरसी टॉयज है जो हिप्पोपोटामस है, एक $2 बने पड़े, 100 रुपए, 50 रुपए और भी पता नहीं यार क्या क्या चीजें, लेकिन दादी जी भाई अपनी सेविंग में से कुछ भी नहीं देती है। तो इसके भाई हम इसी की जगह पे इसको डालने वाले हैं, पर उससे पहले जो है इसको पूरा कट करना पड़ेगा, अगर क्योंकि ये कट नहीं होगा ना तो इसके अंदर से भाई सामान फिर ढंग से निकलते विकलते भी नहीं है और जो स्नैक्स है वो गिर गिर के भागते हैं। तो ये हो गया इसका भाई पैकेट कट, और ये देखो अभी भी थोड़ा बहुत रह गया, अबे खा लिया गई। तो भाई इसके जो है इसकी जगह पे डालने वाले, तो भाई क्या देखना क्या निकला भाई, माइंड ब्लोइंग यार, मतलब सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। एक निकली बहुत ही प्यारी वाली कार, और ये ऑलरेडी एक बार और निकली थी हमारी आज से 6 महीने पहले, इसका एक कलर मेरे पास ऑलरेडी है। ये देखो भाई ये आज हमारी पिंक कलर में निकली, और ये नियॉन कलर की वो है हेडलाइट वगैरह, जब ये गाड़ी चलती है ना तो ये टुडुंग टुडुंग करके चलती है, देखो दिखाता हूँ, ये देखो इस तरीके से ना आगे ऊपर से नीचे होता है, और इसके टायर की स्पीड काफी ज्यादा तेज है, तो इसको रोक देते हैं। अगर सारे मजे मैं ले लूंगा तो फिर आप क्या लोगे, जब ये आपके पास पहुंचेगा तो आप इसको चला के देखना फर्श पे, ये गोली की तरह आती है ज़ूम पीप पीप, और ये इसकी हेडलाइट ऊपर नीचे होती है क्योंकि कार आंख मारे आंख मारे। अगर आप लोगों को ये वाली कार पसंद आई है जिसका ये वाला जो पिंक वाला हिस्सा ना भाई, ये सारा का सारा मेटल का है, और ये जो ग्रीन वाला है ये भाई प्लास्टिक का है, और इसके टायर्स वगैरह आगे के बड़े पीछे के छोटे, और ये आगे की वजह से ही ऊपर नीचे होता है, देखो आगे वाला घुमाऊंगा ना तो ऊपर नीचे होगा, पीछे वाला सिर्फ ये चलती है। तो अगर आपको ये वाली कार पसंद आई है तो अपने नाम लिख देना, उसके आगे वॉल लिखना है, और उसके आगे आपको लिखना है मेटल एंड प्लास्टिक वाली कार जो आपको हॉर्न वाली है, ताकि ये गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे, और अब हम लेने वाले हमारा सबसे आखिरी वाला पॉपेट का खजाना, लेकिन ये देखो एक हमारा तो ये रह गया, ये भाई हमारा बैटमैन जो काफी ज्यादा प्यारा। अगर आप लोगों को बैटमैन का कीचेन पसंद आया तो भाई अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना बैटमैन वाला छल्ला, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और ये अब हमारा आने वाला पॉपेट वाला खजाना, जिसके अंदर दिल वाले पॉपेट से लेकर हेक्सागन पॉपेट, गोला वाला पॉपेट, साथ ही में भाई आपके 10 के नोट, 20 के नोट, 100 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, बहुत सारी चीजें निकलती है यार भाई, इतनी चीजें निकलने वाली है मैं क्या बताऊं। तो पर देखते ये कि हमारा निकलेगा क्या, क्योंकि ये पैकेट जो है भाई ये तो बहुत ही ज्यादा तगड़े हैं, और इसकी जो जगह है वो भी हमारे पास बनी पड़ी है भाई, देखो यहीं से दिख रहा है मुझे, इसके अंदर हमारा कुछ एक बहुत तगड़ा वाला पॉपेट बैठा हुआ है, और स्नैक्स वगैरह भी भाई बहुत तगड़े वाले मोटे मोटे से, तो देखते क्या क्या निकलता है। अबे शिट यार, यार हमारा कोई कभी 500 का नोट निकलेगा या नहीं निकलेगा, हमारी सिर्फ एक कार निकली और एक पॉपेट निकला। ये ओ वाओ भाई, ये भी एक डाईकास्ट कार है मेटल वाली जो ऑक्टेन गेन वाली है, और ये हमारी कम से कम 30 टाइम्स निकल चुके ये वाली कार, इसके अलावा कोई और बनाते नहीं है क्या ये? ये देखो इस पे ऑक्टेन गेन लिखा हुआ है, ये आइस वगैरह बनी, और ये मेटल की कार है जो जूम करके आती है, पी पी करके गोली की तरह निकल जाती है। तो अगर आपको ब्लू कलर की डाईकास्ट कार पसंद आई है तो अपने नाम के आगे वाओ लिख देना, और उसके आगे लिख देना भाई डाईकास्ट कार। अगर आपको सारी कार पसंद है तो भाई सारी भी लिख सकते हो, ताकि आपको एक गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पे, और भाई ये देखते हैं हमारा कौन सा वाला पॉपेट है डिजाइन का। ओ भाई भाई ये निकला एक हमारा डायनासोर, और इस डायनासोर का नाम तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे ना सिर्फ टीरेक्स वाला पता है। तो भाई किसी को भी अगर इस वाले डायनासोर का नाम पता है तो आप लोगों को भाई लिखना है सबसे पहले अपना नाम, उसके आगे आपको लिखना है इस डायनासोर का नाम, और उसके आगे लिख देना पॉपेट वाओ, वाओ लिखना जरूर, ताकि ये जो आपको गिव अवे हो सके। और हाँ, चीटिंग मत करना, कहीं आप इसकी फोटो खींच के गूगल पे डाल दो और फिर उससे गूगल से पूछो कि भाई आप बताओ कौन है ये। तो ये देख सकते हो रेड कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर, ब्लू कलर, डार्क ब्लू और पर्पल वायलेट कलर, इतने सारे रंग बिरंगे कलर है जो एक इंद्रधनुष के अंदर होते हैं। ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है, और इसके पॉपेट की आवाज सुनो भाई, ये बहुत ही ज्यादा प्यारी साउंड थी। तो मुझको तो ये वाला पॉपेट बहुत पसंद आया, अगर आपको भी पसंद आया तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिख देना पॉपेट, ताकि ये डायनासोर का पॉपेट आपको गिव अवे हो सके। तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर, और अब बारी आती है भाई उन 15 लोगों को शाउट आउट देने की, और एक हैप्पी बर्थडे शाउट आउट की। तो ये है वो 15 नाम, नैतिक त्रिवेदी, मंजीत, हमदान, मैत्री, विवेक, आर्यन, हिमांशु लखारा, रियांश, रोहित कुमार, सैमोन, कैलाश, छवन, नीतीश, अनस कुरेशी, दक्ष बदेशराई और नरेंद्र। तो आज इन 15 में से किन्हीं एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला भाई एक क्लैपिंग वाला मंकी, जिसको क्लैप मारते आप रोक सकते हो, और क्लैप मारते ये डांस करने लगता है, और एक बार्बी डॉल जो ऑटोमेटिक 360 डिग्री घूम के भाई स्टंट करके दिखाती है, और इसकी ये फ्रॉक वाले जो फ्लावर है ना ये भी उठ जाते हैं, जो कि भाई 5D वाली लाइट होती है, और इसके अंदर म्यूजिक भी चलता है जो भाई फर्श पे ना ये इस तरीके के दिल बनाने वाला है। तो भाई अब बारी आती है हैप्पी बर्थडे शॉट आउट की, तो हैप्पी बर्थडे टू यू नैतिक त्रिवेदी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको भी ये दोनों के दोनों टॉयज गिव अवे होने वाले हैं। तो ये तो भाई साहब आज का बहुत ही तगड़ा और अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स का, जिसके अंदर एक बोल्ट के ईयरबड से लेके भाई शाहरुख खान और विराट कोहली वाली एक वॉच निकली है, एक स्मार्ट वॉच भी निकली है। अबे कहां है ये, देखो ये ढकी पड़ी।
एक स्मार्ट वॉच निकली, एक छोटा सा कप निकला भाई, ड्रीम स्पेस का रस्सा निकला है, इरेजर 2 रुपए, 50 रुपए नकली, 20 रुपए असली, भाई बहुत सारी चीजें निकली है, वो आप खुद ही देख सकते हो। तो आपको जो भी पसंद आया हो तो वो आप बता सकते हो, और अगर आपको ये काफी ज्यादा पसंद आया तो करें ज्यादा से ज्यादा लाइक, करें अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर, और अगर इस पर भी 600 से ज्यादा लाइक्स, कमेंट्स और शेयर हो जाते तो ये सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स कर दिया जाएगा गिव अवे, वो भी स्नैक्स के पैकेट के साथ, और ये भी, ताकि आपको दोनों चीजें मिल सके, स्नैक्स खा लेना और इनको अपने पास रख लेना। तो भाई अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, बाजू में बेल आइकन, ताकि आने वाली जितनी भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस है आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।